नमस्कार, लेखक की लेखनी में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम 90 के दशक के सुप्रसिद्ध धारावाहिकों में किरदार निभाने वाले कलाकारों के बारे में आप सबको बता रहे हैं, जिसमें मुख्यतः रामायण, जय श्री कृष्णा, महाभारत, अलिफ लैला आदि शामिल हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जय श्री कृष्णा में रुक्मिणी जी, यमुना जी, लक्ष्मी जी और दुर्गा जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री के बारे में। ये सारे किरदार एक ही अभिनेत्री ने निभाए हैं। आपसे अनुरोध है, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, भविष्य में और अच्छे कंटेंट लाने में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं उन अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने जय श्री कृष्णा में रुक्मिणी जी समेत चार किरदार निभाए थे। इन चारों किरदारों को निभाया था पिंकी पारिख जी ने। पिंकी पारिख जी गुजरात से हैं और वो एक गुजराती फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिंदी टीवी धारावाहिक अलिफ लैला से 1994 में की थी। अलिफ लैला में इन्होंने सौतेली माँ का किरदार निभाया था। इनकी कला प्रतिभा को देखकर इन्हें रामानंद सागर कृत जय श्री कृष्णा में किरदार निभाने के मौके मिले। इन्होंने जय श्री कृष्णा में एक नहीं चार चार किरदार निभाए थे, जिसमें शामिल थे रुक्मिणी जी का किरदार, यमुना जी का किरदार, लक्ष्मी जी का किरदार और दुर्गा जी का किरदार। इन्होंने सारे ही किरदार बहुत अच्छे से निभाए। रुक्मिणी जी का किरदार काफ़ी लंबा था, इसलिए इनको जो पहचान मिली वो रुक्मिणी जी के किरदार से मिली। इनके साथ कृष्णा का किरदार करने वाले सर्वधमन डी बनर्जी जी थे। दोनों की अभिनय कला ने सबका मन मोह लिया। दोनों की आवाज़ और मुस्कान में गजब का जादू था। लोग उनकी उस मनमोहक रूप की पूजा करने लगे और उस दिव्य रूप की दीवानगी आज भी वैसी की वैसी बरकरार है। अलिफ लैला और जय श्री कृष्णा धारावाहिकों से थोड़ा हटके बात करें तो इन्होंने गुजराती फिल्मों और धारावाहिकों में ही काम किया है। एक गुजराती फिल्म है देश रे जोया दादा परदेश जोया, जिसमें इन्होंने रीता का किरदार निभाया था। इस फिल्म में इनके साथ थे रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी जी। ये एक सुपरहिट फिल्म थी। इसके अलावा उन्हें 1999 में आई फिल्म मन मोती ने काज के लिए गुजरात फिल्म की तरफ से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राज्य पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद उन्होंने हार्ट करो छो हासू भाई, माँ लक्ष्मी जैसे काफ़ी गुजराती फिल्में और धारावाहिक किए। पिंकी पारिख जी गुजरात घरों में जानी पहचानी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। इनके निजी जीवन की बात करें तो इनका विवाह गुजरात के ही देसाई परिवार में हुआ था। इनके एक बेटा और एक बेटी भी है। वर्तमान की बात करें यानी कि अप्रैल वर्ष 2020 की, तो ये फिल्मी दुनिया से तो दूर है ही और साथ ही साथ सोशल मीडिया से भी। इनके बारे में जो भी जानकारी हमें मिली है वो हमने आप तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।